hello students and welcome to this new lecture uh, where we will see uh, email diary and dialogue writing today uh, these are the important topics which can come in the examination so we are going to see first of all the diary entry so what is a diary entry first of all a diary is a kind of personal document see what is the use of diary right it, it is used for an individual's account recording that means that it is used

इंडिविजुअल uh, अकाउंट होता है अकाउंट का मतलब कि आप अपनी तरह से लिखते हैं डायरी अपने भाषा अपनी लैंग्वेज में और प्रॉपर ग्रामर यूज के साथ आप डायरी लिखते हैं तो इन यर एग्जाम द फॉर्मेट्स आर समथिंग लाइक दिस कि टॉप लेफ्ट पे आप डेट डे और टाइम डालेंगे आप डाल सकते हैं डेट और डे और टाइम ठीक है उसको हम डायरी एंट्री बोलते हैं <coughs> देखिए ओके <coughs> okay. टेंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली तो डायरी में कौन सा टेंस यूज होता है तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर तो आप सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं मतलब डायरी जब एंट्री करने बैठे है तो जो हैपनिंग्स हुई है अभी फिलहाल दिन में ठीक है तो आप रात में एंट्री करने के लिए बैठते हैं डायरी की तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है आपके लिए और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है तो हर एक डायरी एंट्री के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई है उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं पहले एंट्री करके फिर खत्म नहीं होती है ना डायरी आप अगर कुछ डायरी लिखना चाहते हैं आप अपना डायरी लिख रहे हैं तो आप वही एक्टिविटियों के बारे में लिखेंगे जो आपने की है ओके जो आप आपके साथ हुआ है या आपके लिए मतलब आपके वजह से हुआ है तो जो भी एंट्रीज हैं वो सारी सिंपल पास्ट में चली जाएगी ऐसी एक्टिविटीज जो खत्म हो गई हैं ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी ऐसी एक्टिविटी जो खत्म हो चुकी है ठीक है और फ्यूचर में अगर आपको कुछ फ्यूचर के बारे में बात करना है तो आप कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन एप्लीकेशन रहेगा फर्स्ट पर्सन एप्लीकेशन का मतलब आई वी वो सारी चीजें आप यूज करेंगे फॉर्मेट के अंदर स्टेप्स क्या है तो बिगिन द एंट्री विद जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंटरी फीलिंग तो आप जब शुरू कर रहे हैं डायरी लिखना ठीक है तो आप शुरू करिए जनरल सेंटेंसेस से जो आपका डे डिस्क्राइब करती है कैसा दिन था क्या था कैसा है ठीक है वो सारी चीजों से आप शुरू करेंगे इन द बॉडी यू मे डिस्कस एन इवेंट फीलिंग टूवर्ड्स इट तो आपको अगर कोई इवेंट डिस्कस करना है जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है देखिए यू आर नरेश यू हैपन टू गो टू आगरा इन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री तो आप आगरा जा रहे हैं ठीक है तो यू हैपन टू गो टू आगरा इन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे अब ये है इवेंट जो आपके साथ हुआ है फिर आप लिखेंगे आपका एक्सपीरियंस आपके फीलिंग्स जो आपके साथ हुआ ठीक है हाउ इज इट इज लाइकली टू अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान शायद फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है ये तो कैसे वो अफेक्ट करेगा कंक्लूड विद फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर में आप क्या करेंगे और फाइनल रिमार्क आपको डाल देना है तो चलिए एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं यू आर नरेश यू नरेशन टू गो टू आग्र क्राउडेड बस ऑन हॉट समर डे रिकॉर्ड योर एक्सपेंस फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री सबसे पहले आप डेट डालेंगे डे डालेंगे और टाइम डालेंगे कि कब कौन सी डेट को आपने एंट्री करी है उस दिन दिन क्या था और टाइम क्या था जब आपने डायरी एंट्री करी ठीक है तो देखिए शुरुआत से टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ तो यहाँ पे आगरा क्राउडेड बस हॉट समर डे ये सब है तो मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था टूडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ ऐसा ऑफुल एक्सपीरियंस कभी भी हुआ ही नहीं है मेरी जिंदगी में आई हैड गॉन टू आगरा फॉर एन अर्जेंट वर्क आगरा गया था मैं अर्जेंट वर्क के लिए देर आर फ्यू आवर्स देर आर वेरी फ्यू बसेस फ्लाइंग टूडेट ऑफ देड बिन पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी तो बहुत ही कम बस थी आज ठीक है कि मोस्ट ऑफ देड बिन पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी पे रखा था आई वेटेड फॉर टू आवर्स एट द बस स्टॉप टू गेट इन द बस बस स्टॉप पे दो घंटे वेट करने के बाद बस में मैं चढ़ा इट वॉज मच क्राउडेड वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बस थी आई समहाउ मैनेज टू गेट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ आप देखिए यहाँ पे हर एक सेंटेंस के अंदर आप अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं इमोशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इवेंट से आपका क्या रिएक्शन uh, आया था वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई मैंने बहुत ही मैनेज किया समहाउ मैनेज टू गेट सम स्पेस फॉर माइस मेरे लिए जगह मैंने कुछ करके ले ली इट वॉज रियली डिफिकल्ट्रीथ सांस लेना भी मुश्किल था एवरी वन वॉज फेटिंग हर एक इंसान पसीने से लतपथ था पीपल वीच अदर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं आफ्टर जर्नी ऑफ टू आवर्स द के व साई ऑफ रिलीफ तो बस से बाहर आने के बाद मैंने राहत की सांस ली साई ऑफ रिलीफ आई लेवट फॉर गेट दिस जर्नी इन माई Life. तो मैं कभी भी, ये है, यहां पे आप देखेंगे वो इवेंट के बारे में क्या लिखा है? फिर आपको शुरुआत करनी है आपके लाइफ में मतलब कोई इवेंट जो हुआ है वो कैसे असर किया है उसके बाद आप वो इवेंट के बारे में पहले थोड़ा कुछ डिटेल देंगे इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं आगरा गया था अर्जेंट वर्ड के लिए थोड़ी बस थी और मैंने दो घंटे खड़ा था बस के लिए फिर बस में चढ़ा बहुत ही क्राउडेड बस था ये बॉडी के अंदर आप लिखेंगे ठीक है आप अपने इमोशंस डाल सकते हैं उसके अंदर और लास्ट लाइन में आप इसको कंक्लूड करेंगे विद फाइनल रिमार्क मैं कभी भी भूलूंगा नहीं ये जर्नी को ठीक है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए टूडे यू हैव विजिटेड योर एनसेस्ट्रल विलेज एंड वॉच द फार्मर्स हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ वीट मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस एट द विलेज तो यहाँ पे आप एक एंसेस्ट्रल विलेज पे विजिट कर रहे हैं ठीक है एंसेस्ट्रल विलेज होता है आपके पूर्वज का विलेज मतलब आपके बाप दादा जहाँ पे रहते थे ठीक है वो विलेज के बाद यहाँ पे आपको करनी है जहां पे आपने देखा है फार्मर्स को वीट का क्रॉप हार्वेस्ट करते हुए तो एक डायरी एंट्री उस पर आपको लिखनी है ठीक है चलिए तो और यू हैव हैपन टू विजिट द साइंस सिटी गांधीनगर एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन ऑफ एक्सकर स्कूल डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस तो आपने साइंस सिटी विजिट किया है गांधीनगर का और एजुकेशनल एक्सकर्शन है आप वहां पे जानने के लिए गए हैं सीखने के लिए गए हैं तो ये एक्सपीरियंस आपको एक डायरी के फॉर्म में लिखना है तो आप ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए यू आर ऑफ़ अ टीम ऑफ स्टूडेंट कैंपेनिंग अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ स्मोकिंग इन द विलेज कम्युनिटी तो विलेज कम्युनिटी में स्मोकिंग जो हो रहा है ठीक है उससे अगेंस्ट आप कैंपेन कर रहे हैं तो डायरी एंट्री आपको डिस्क्राइब करनी है योर पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस अचीव इन योर मिशन आपने जो मिशन किया था और मिशन में आपको जो सक्सेस मिला उसके बारे में आपको डायरी एंट्री करनी है ठीक है तो पहले ये दो क्वेश्चन का आप स्क्रीन खींच लीजिए आपको एग्जाम्पल अगर चाहिए तो मैं इसको सोल्व एग्जाम्पल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर उसको मैं रख रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ठीक है सोल्व एग्जाम्पल का ओके टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब क्वेश्चन और प्रैक्टिस जो है वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रख रह रहा हूँ ठीक है वो आप स्क्रीन खींच लीजिए बेटा टेन अच्छा रुकी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एक दो और तीन ये डायरी एंट्रीज में से आपके एग्जाम के अंदर कोई आ सकता है या ऐसे भी डायरी एंट्रीज के जैसे रिलेटेड डायरी एंट्रीज आ सकते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे ईमेल की जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो हम ईमेल पे आते हैं पूरा पीडीएफ जो है वो मैं आपके एप्लीकेशन के अंदर सेंड कर दूंगा ठीक है डायलॉग हाँ डायलॉग की बात करना है हमको लेकिन पहले हम बात करेंगे ईमेल की ईमेल ईमेल ओके आते हैं ईमेल पे इनफॉर्मल लेटर सीसी ओके चलिए देखिए भाई ईमेल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ये ईमेल आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस अक्रॉस इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क इट इज द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग तो ई मेल जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं वो डिजिटल मैसेजेस भेजने में आपको हेल्प करता है अक्रॉस द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क में से ठीक है इट इज द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग राइटिंग में कम्युनिकेट करना राइटिंग में बात करना ठीक है उसका क्विकेस्ट वे है फास्ट वे है जैसे आप मैं अभी ई मेल टाइप कर रहा हूँ तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा एक सेकेंड में आपको ई मेल मिल जाएगा ईमेल मैसेजेस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर क्शन तो उसके दो मेजर सेक्शन होते हैं सबसे पहला है हेड जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है सेंडर रिसीवर डेट और टाइम बॉडी जिसमें मैसेज होता है ठीक है उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्पज आपको कौन सा ईमेल लिखना है उस पर डिपेंड होता है भाई कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे या इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे ना हो, तो भी चलेगा. लेकिन कंटेंट के मुताबिक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसके मुताबिक ठीक है उसके बाद है सैल्यूटेशन तो आप डियर सर फर्स्ट फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं डियर सर भी लिख सकते हैं डियर मैडम भी लिख सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर ग्रीटिंग्स से शुरू करिए और जब रिप्लाई कर रहे हैं किसी मैसेज का तो थैंक यू फॉर योर मैसेज आई रिसीवड योर मैसेज ऐसा आप लिख सकते हैं ठीक है अगर आपके पास ईमेल आ गया कि भाई आपको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई में आप थैंक यू फॉर योर मैसेज और आई रिसीव्ड योर मैसेज ऐसा आप लिख सकते हैं टोन तो क्या यूज करेंगे वेन यू एक्सपेक्ट अ रिप्लाई आप अगर रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो रिप्लाई करेगा तो आप लास्ट में लिखेंगे प्लीज लेट मी नो और अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज और काइंडली यूज करेंगे आप ठीक है पैराग्राफ्स के अंदर हर एक मेन आइडिया सेपरेट पैराग्राफ के अंदर आपको बताना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस उसमें यूज करिए कोई एस लैंग्वेज नहीं चलता है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में रिगार्ड लिखेंगे लव लिखेंगे या नेम लिख उसके बाद नेम लिख देंगे ठीक है अब आप पूछेंगे सर सीसी और बीसीसी क्या होता है जैसे हम यहाँ पे ईमेल का एक फॉर्मेट देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पे कैसे लिखना है डेट है टू है सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट है ठीक है तो ये जो ईमेल का फॉर्मेट है और नीचे ये जो पूरी खाली एरिया है वो है बॉडी इसके अंदर आप मेल लिखेंगे ठीक है है तो ये होता है एक ईमेल का फॉर्मेट डेट टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट तो पूछेंगे सर सीसी और बीसीसी क्या है तो आपको शायद पता ही होगा सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी ठीक है आप यहां पर किसी और को भी कॉपी कर सकते हैं किसी और को अगर आपको मेल डालना है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं भाई जिसको ये सब्जेक्ट के बारे में जानने की जरूरत है लेकिन एक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे मान लो कि मैं किसी बुक स्टेशनरी को ईमेल लिख रहा हूं ठीक है किसी बुक स्टेशनरी में मैंने बुक का ऑर्डर दिया है उसको ठीक है तो मैं बुक स्टेशनरी को ऑर्डर दे रहा हूं तो मान लीजिए मैंने स्कूल के लिए बुक का ऑर्डर दिया है तो मैं सीसी -सी में स्कूल का ईमेल आईडी भी डालूंगा क्योंकि उनको जानने की जरूरत है उनको एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जानने की जरूरत है कि मैंने ऑर्डर दिया है बुक का तो आप

मान लीजिए प्रिंसिपल को भेजना है लेकिन उनको बताना नहीं है कि कौन सी स्टेशनरी में डालो इतना बताना है कि डाला है बस मेल बुक मैंने ऑर्डर कर दी है तो बीसीसी में मैं प्रिंसिपल का principal@gmail.com मैं डाल दूंगा ठीक है दे कैन सी अदर्स इन द टू एंड सीसी फील्ड्स बट नॉट इन द बीसीसी फील्ड्स सो वो बीसीसी के अंदर जिसका आप नाम डालेंगे जैसे मैंने प्रिंसिपल का डाला सुपरवाइजर का डाला फिर मान लीजिए कि ट्रस्टी का डाल दिया तो ये बीसीसी के अंदर जितने भी मैं मेल डालूंगा उनको ये तो पता चलेगा कि मैंने स्टेशनरी को भेजा है और सीसी में मैंने स्कूल को भी रखा है लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने सुपरवाइजर और ट्रस्टी को भी ये मेल डाला है ठीक है तो ये होता है बीसीसी का फीड। अब ईमेल में थोड़े डूज एंड डोंट्स हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबसे तो फर्स्ट तो, right? तो जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो आप पहले लिखिए नंबर और बुलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं मैसेज को क्लियर बनाने के लिए नंबर यूज करते हैं वन टू थ्री फोर है मैंने ऑर्डर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर दिया है बुक का तो वन टू थ्री फोर ये चार बुक का मैंने ऑर्डर दिया है सिंपल ग्रामर यूज करिए लैंग्वेज यूज करिए शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करिए सेपरेट पैराग्राफ्स बनाइए क्या नहीं करना चाहिए फालतू चीजों के लिए नहीं लिखना ठीक है ई मेल फालतू चीजों के लिए नहीं लिखेंगे और उसके अंदर फालतू चीज नहीं लिखेंगे गिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट यू डोंट वॉन्ट समन एल्स टू नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है कैपिटल लेटर्स पूरे पूरे वर्ड्स के अंदर नहीं यूज करना हैं ई में ठीक है इसको शाउटिंग माना जाता है डिफरेंट फोन आप नहीं यूज करेंगे इटालिक्स आप यूज नहीं करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप यूज नहीं करेंगे एब्रीवेशन स्माइली ये सारी चीजों को आप यूज नहीं करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करेंगे ठीक है ये सारी चीजों को आप यूज नहीं करेंगे तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक छोटा सा ईमेल का फॉर्मेट रख दे रहा हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट खींच पाए ठीक है ये एक्चुअली ये होता है ईमेल का फॉर्मेट ठीक है जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर अभी रखा है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल ठीक है आप स्क्रीन खींच लीजिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब यहाँ पे एक चीज आपको जो नहीं बताई गई है वो ये है कि भाई ये जो डेट का जो बॉक्स है वो बॉक्स बनाना है आपको टू का जो बॉक्स है वो पूरा पेंसिल से आपको बनाना है आउटर बॉक्स बनाना है डेट टू सी सी बी सी सी, सी सी सब्जेक्ट ये हर एक लाइन एक एक छोड़ के भी आप लिख सकते हैं तो बॉक्स बनाना कंपलसरी है यहां पे बॉक्स बना देना है आपको ठीक है या तो फिर पूरी सीधी लाइन खींच देनी है समझ में आ रहा है पूरी सीधी लाइन खींच देनी है अगर बॉक्स नहीं बनाना तो पूरी सीधी लाइन खींच देनी है आपके पेपर के मुताबिक जो लाइन होती है वो लाइन के ऊपर आप खींच सकते हैं ये पांच चीज आपको लिखना कंपलसरी है डेट टू सीसी बी सी सी और सब्जेक्ट अब कई कई सारे ईमेल्स में आप फॉर्म भी लिखते हैं ठीक है वो कंपल्सरी नहीं है अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे डेट के नीचे फ्रॉम का एक कॉलम लगा सकते हैं ठीक है वो कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं डेट के नीचे फ्रॉम आप लगा सकते हैं डेट फ्रॉम टू सीसी बी सी सी सब्जेक्ट ठीक है अच्छा मैं एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता ईमेल के लिए कि सब्जेक्ट जब आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर छह से सात वर्ड से ज्यादा मत लिखेगा छह से सात उससे कम होंगे तो चलेगा लेकिन छे से सात वर्ड से ज्यादा का सब्जेक्ट मत करिएगा देखिए अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक सॉल्ड एग्जाम्पल है ई का जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे ई लिखा जाता है यू आर मिस्टर आर के सिंह आप हैं आर के सिंह के वी ए एफ एस बरोडा जो है स्कूल है या जो भी कॉलेज है ठीक है उसके लाइब्रेरियन हैं आप मतलब आप लाइब्रेरी संभालते हैं एक ईमेल लिखना है आपको भाटिया बुक डिपोर्ट का अहमदाबाद में जो है भाटिया बुक डिपोर्ट उसको आपको ईमेल लिखना है कि वी रिक्वेस्टिंग देम टू कैंसिल योर ऑर्डर फॉर इंग्लिश लिटरेरी बुक्स एंड बुक्स ऑन एनवॉयमेंट Give for of order. तो आपको भाटिया बुक डिपॉर्ट को इंग्लिश लिटरे बुक्स आपने जो मेल किया था उस ऑर्डर दिया था वो कैंसिल कर देना है रिक्वेस्ट करना भी, वो कैंसिल कर दीजिए ठीक है जो बुक्स हमने ऑर्डर करी है वो आप कैंसिल कर दीजिए और उसके रीजन भी आपको लिखने हैं तो आपके स्क्रीन पर आ गया ये ई मेल देखिये सबसे पहले आपने देखा है डेट लिखा हुआ है, है ना फिर टू लिखा हुआ है भाटिया बुक डिपॉट एट द रेट इफ मेल डॉट को डॉट इन सी में कुछ नहीं है बीसीसी में कुछ नहीं सब्जेक्ट में है कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर ठीक है तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा ये जो बॉक्स है ना ऊपर नीचे हो गया है सब्जेक्ट का बॉक्स नीचे चला गया है तो वो आप सेट कर दीजिएगा सीसी का जो बॉक्स है वो ये है और सब्जेक्ट का बॉक्स ये है बीसीसी का बॉक्स ये है और सब्जेक्ट का बॉक्स ये है तो सब्जेक्ट में क्या है कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर तो जैसे ही भाटिया बुक डिपोर्ट को ये मेल आईडी मिलेगा ठीक है तो वो बुक डिपोर्ट वाला समझ जाएगा कि ये ईमेल आईडी जो है कि भाई मान लीजिए कि भाई आपने ईमेल लिखा है आपने ईमेल सेंड किया है तो ये मेल आइडिया है स्कूल का या कॉलेज का स्कूल का है ठीक है और उन्होंने कैंसल किया है कैंसलेशन का ये मेल है तो एक आइडिया आ जाएगा क्ल्यू आ जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा होगा कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर डियर सर आई प्लेस एन ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑन दिस डेट फॉर सप्लाई ऑफ इंग्लिश लिटरी बुक्स एंड बुक्स ऑन एनवाइट ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि भी मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ठीक है आप लाइब्रेरी है प्रिंसिपल आपने मेल किया था ये डेट को उन्होंने बोला कि सप्लाई जो है वो मार्च तक हो जाएगा वो रिसीव हम कर लेंगे बट सॉरी टू से बुक्स अभी तक हमको मिली नहीं है मतलब अभी तक मतलब ये डेट देखिए फोर्टीन फोर तो उनको चौदह अप्रैल तक वो बुक्स मिली नहीं है ठीक है बट सॉरी टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन टिल डेट

को ध्यान में रखिएगा बेटा मैं आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा ईमेल रखता हूं देखिए डेट टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट अगर आपको डालना है सीसी बी सी सी में तो आप प्रिंसिपल को भी डाल सकते हैं क्योंकि आपने मेल के अंदर प्रिंसिपल की बात की है तो आप डालिए तो अच्छा है सब्जेक्ट में कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर नीचे देखिए डियर सर से शुरुआत की है और दो पैराग्राफ आपने लिख दिए नीचे इंपॉर्टेंट ये है कि थैंक यू योर सिंसियरली आपका नाम और पोजिशन आपको अगर दी है पोजीशन तो आपको लिखनी है अगर नहीं दी है अगर खाली नाम है ठीक है तो आप खाली नाम लिखेगा लेकिन यहाँ पे पोजीशन दी है तो आप पोजीशन लिखेंगे ठीक है चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है आपके स्क्रीन के ऊपर आप रचित हैं या रचना है मतलब आप बॉय हैं तो रचित गर्ल है तो रचना नाइन्थ uh, स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है आर्मी स्कूल मथुरा कैंटोनमेंट में ठीक है तो ये स्कूल का नाम है आर्मी स्कूल जो है मथुरा में आपको कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने समर वैकेशन में सोनी कंप्यूटर सेंटर में एक बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आगरा के अंदर आपको ईमेल लिखना है इंस्टीट्यूट को ये इंफॉर्मेशन के लिए कौन से कोर्स आप ऑफर करते हैं कितने समय तक वो कोर्स चलेंगे कोर्स के फ़ी क्या हैं कब क्लासेस होंगे बोर्डिंग uh, फैसिलिटी है क्या कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कुछ भी बना सकते हैं ओके तो ये होता है एक प्रैक्टिस वाला ईमेल तो आपको ये प्रैक्टिस करना है एक बार ये फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है कि आपको ज्वाइन करना है कंप्यूटर क्लासेस समर वैकेशन के अंदर एक सोनी कॉम्प्यूटर सेंटर में जो एक रेप्यूटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आगरा के अंदर तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस का ओके okay, चलिए पूरा क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके अब हम देखेंगे इनफॉर्मल ईमेल आपने तो देखा एक फॉर्मल ईमेल जो फॉर्मली आप किसी और को भेजते हैं जिसको आप जानते नहीं है इनफॉर्मल ईमेल जो होता है उसके अंदर भी कुछ खास होता नहीं है खाली इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है आपको वो सारी चीज़ तो लिखनी पड़ती है डेट टू सी सी बी सब्जेक्ट ठीक है तो देखिए आप सोहम हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड मुंबई के एक एम्प्लॉय है आप काम करते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड में भाई आपने मई दो के महीने में अपने घर को विजिट करने का प्लान बनाया था लेकिन नहीं जा पाए ठीक है आपको कोलकाता भेजा गया है कंपनी से तो आपको फादर को ईमेल लिखना है कि आई विल नॉट बी एबल टू कम ठीक है तो आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे इन एबिलिटी आपको दिया है इन एबिलिटी टू कम होम इन मे कि मे में नहीं आ नहीं आ पाऊंगा मैं घर तो आपके फादर जैसे ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो तुरंत ही उनको आइडिया जाएगा कि वो नहीं आ पाएगा इन एबिलिटी टू कम होम इन मे ये मेल किया है डियर so you फादर हाउ आर यू आई एम गोइंग टू कोलकाता फॉर डेज इन द मंथ ऑफ मे फॉर एन अर्जेंट वर्क ऑफ द कंपनी सो आई विल नॉट बी एबल टू कम एज होम एज प्लान प्लांट अर्लीवर आई विल कम आफ्टर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता आई मिस कोलका को लिख रहे हैं तो यू लविंगली लिख सकते हैं आप ठीक फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा डेट टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट डियर फादर लिखा है यहाँ पे डियर सर आप पहले लिखते थे यहाँ पे डियर फादर है क्योंकि आप फादर को लिख रहे हैं मेल और लास्ट लाइन आई मिस यू ऑल यूर्स लविंगली सोहन ठीक तो ये लाइन मत भूलिएगा इसको हम सेल्यूटेशन बोलते हैं योर लविंगली ठीक है इसको आप एंडिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं तो ये आप भूलिएगा मत ठीक है ये एक सोल्व एग्जाम्पल है हमारे पास ओके देखो ये जो है ना वो एक एक्चुअल आप जैसे लिखेंगे ये है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना जो मेल इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको पूरा मेल दिखाई दे ठीक है और छोटा करना पड़ेगा ओके हाँ चलिए अब आगे आपके स्क्रीन के ऊपर ये मेल ऑन मदर्स डे यू गिफ्टेड योर मदर एक आ, गिफ्ट किया आपने क्या लैपटॉप गिफ्ट किया है क्या हाँ लैपटॉप गिफ्ट किया है आपके कजिन वॉन्ट्स टू तो राइट एन ई मेल एंड डिस्क्राइब हाउ योर मदर रिएक्टेड वेन यू गेव हर गे गिफ्ट आपके कजिन ने बोला कि आपके मदर ने कैसे रिएक्ट किया आपने जब गिफ्ट दिया उसके तो बारे में आपको लिखना है ऑफ कंप्यूटर भी लिखना है इसमें से आप हेल्प ले सकते हैं मधर ओवरवेलम्ड गिव ब्ले इन्वाइटेडोधनी कॉम्प्यूटर स्टिमेस्ट कॉम्प्यूटर एच डी डिस्प्ले वॉच टीवी सोप ऑपेराज डॉल्बी थिएटर साउंड सिस्टम इससे आप पूरा एक मेल बना सकते हैं तो देखिये डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट डियर सुधीर आप अपने कजिन को लिख रहे हैं तो डियर सुधीर कर दिया आपने क्योंकि टू में आपने जो नाम लिखा था उसको आप मेल लिख रहे हैं आई होप यू आर फाइन एज यू डिजायर्ड आई एम राइटिंग दिस ई मेल अबाउट माई मदर्स रिएक्शन आई गिफ्टेड हर द धन्य सिक्स हंड्रेड ऑन मदर्स डे लिनो ए सिक्स हंड्रेड लेटेस्ट वर्जन है लैपटॉप का स्लिमेस्ट ऑफ लैपटॉप एच टी डिस्प्ले है टीवी देख सकते हैं सोप ऑपेराज देख सकते हैं थिएटर जैसा है डॉलबी साउंड सिस्टम है उसके अंदर जब मैंने मेरी मदर को लैपटॉप दिया वो बहुत ही थ्रिल्ड हो गई थी बहुत ही खुश हो गई थी उन्होंने मुझे हक कर दिया और मुझे ब्लेस किया और उनके आंख में रोना आ गया था ये बेस्ट गिफ्ट था मेरी मदर के लिए और मुझे मालूम था उसको चाहिए उनको चाहिए वो अपने आप बहुत ही आगे रहती हैं नॉलेज के लिए ठीक है तो वो एंजॉय करेंगी यूज करना ये आ, अपना नॉलेज तो ठीक है वो लैपटॉप में से कर सकते हैं लेकिन एंटरटेन भी कर सकती हैं टीवी देख सकती हैं थिएटर सिस्टम है उसके अंदर डॉल्बी थिएटर साउंड सिस्टम रिगार्ड्स योर्स लविंग सुरेश तो एक एग्जाम्पल एक है एक्चुअल मेल का ऐसे ही आप लिख सकते हैं सेम टू सेम वे में डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट अब आपको सी सी बी सी सी अगर लिखना है तो आप टू के नीचे लिख सकते हैं ठीक है हाँ लिखना तो है ही सी सी और बी सी सी लिखना तो है ही एक लाइन बना देनी है सी सी बी सी सी की ठीक है चलिए यहाँ पे हमारा ये ईमेल वाला पार्ट खत्म होता है अब हम फटाफट देखते हैं डायरी सॉरी डायलॉग देख लेते हैं हम डायलॉग राइटिंग के बारे में हमने बात करनी है तो वो हम देख लेते हैं जो ऊपर चला गया था अभी ओके डायलॉग डायलॉग लेटर चलिए ये है डायलॉग राइटिंग तो देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी हमको दिए हैं। भाई डायलॉग राइटिंग का एम ये है कि भाई आपको ग्रामेटिकली करेक्ट मीनिंग और मीनिंगफुल कन्वर्जेशन बताना है आपको ऐसे डायलॉग्स लिखने हैं कि उसमें अंदर ग्रामर करेक्ट हो और उसका कन्वर्जेशन मीनिंगफुल हो ऐसा इजीली नहीं होता है डायलॉग राइटिंग अगर अच्छे से करते हैं आप तो एक स्टोरी बन जाती है ठीक है जहां पे कैरेक्टर्स बनेंगे और एक्सप्लेनेशन होगा याद क्या रखना है पंक्चुएशन टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस टाइप डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव यूज करना है आपको इंपरेटिव सेंटेंस और कॉन्ट्रेक्शन आपको यूज करने देखिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं आपको पता चल जाएगा क्या है ये एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कन्वर्सेशन है पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम गेटिंग स्लीपलेस तो आपको क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना उसमें डायलॉग बिटवीन अंजू एंड रवि अंजू माय ब्रदर यस्टरडे रवि यस आई मेट हिम अंजू फिर क्या पूछेगी तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं अंजू बोल रहा है क्या मैंने मेरे भाई को आपने देखा था कल तो हाँ मैं मिला था अंजू बोल रहा है आप कहाँ पे मिले थे रवि ने बोला मैं यहां पे मिला था अंजू बोल रहे थे वो क्या कर रहा था रवि बोल रहा है वो ये कर रहा था ठीक है तो ऐसा आप बना सकते हैं और भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास लेकिन पहले ऊपर वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई पेशेंट और डॉक्टर वाला ठीक है हेलो डॉक्टर डॉक्टर बोलो हेलो व्हाट इज द प्रॉब्लम डॉक्टर आई हैव प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप एट नाइट आई विल गिव यू मेडिसिन थैंक यू डॉक्टर हाउ ऑफन शुड आई टेक द मेडिसिन जस्ट टेक वन पिल अबाउट थर्टी मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड फॉर हाउ लॉन्ग कितने दिन तक फॉर एटलीस्ट थर्टी डेज कम बैक इफ प्रॉब्लम कंटिन्यूस एनीथिंग एल्स बी कम्पोज वर्क काम पे मतलब बहुत स्ट्रेस मत लीजिए ठीक है तो ऐसे मीनिंगफुल डायलॉग आपको लिखना है द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज इनकम्प्लीट आपको कंप्लीट करना है वाई आर यू लेट टू स्कूल आई गॉट अप लेट आई गॉट अप लेट मैं लेट उठा था टीचर पूछ रहे हैं वाई डिड यू गॉट अप अ प्लेट वाई यू गॉट अप लेट स्टूडेंट बोल रहे बिकॉज आई वॉच दाइट टीचर डॉन्ट यू थिंक नॉट गुड टू वॉच टीवी लेट नाइट स्टूडेंट इज स्टिंग ऐसा आप कुछ बना सकते हैं ठीक है आप डायलॉग अपनी तरीके से बना सकते हैं एक मीनिंगफुल डायलॉग निकलना चाहिए एक मीनिंगफुल चीज निकलनी चाहिए उसमें से समझ में आ रहा है बेटा ओके चलिए तो ये हो गया है आपका डायलॉग आप अगर आपको चाहते हैं तो उसका स्क्रीन खींच सकते हैं आप ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर का स्क्रीन खींच लीजिए डायलॉग राइटिंग का ठीक है चलिए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप ये डॉक्टर पेशेंट वाला भी टॉक लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में ओके और टेन स्क्रीनशॉट शॉट खींच लीजिए ना टेन नाइन एट सेवन थ्री टू वन अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है वन टू और थ्री तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आपके सामने इसमें से आ सकता है डायलॉग चले टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने जितने भी स्क्रीनशॉट खींचे हैं वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा ठीक है और आ, एक बार डायलॉग ईमेल और ये हमने जो आज डायरी ये तीन चीज की वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो इसका प्रैक्टिस आप कीजिएगा ओके मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे